दर्शकों के स्वागत है, आप देख रहे हैं भी भारत। नमस्कार। रजरप्पा मंदिर से एक बड़ी खबर। रजरप्पा मंदिर में भैरवी नदी पास करने के दौरान बहा एक व्यक्ति। उस व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने नदी पास करने से मना किया, किसी का बात नहीं सुना और खुद भैरवी नदी के चपेट में बह गए। खबर रामगढ़ जिला के रजरप्पा मंदिर का है। पिछले दो दिनों से मूसलाधार बारिश होने के कारण भैरवी नदी का जलस्तर चिल्का पुल से ऊपर बहने लगा है। आपको बता दूं कि स्थानीय ग्रामीण व दुकानदार रोजगार हेतु चिल्का पुल से गुजरकर मंदिर के परिसर पहुंचते हैं। वहीं अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालु भी इस पुल से आवागमन करते हैं। इस दौरान आज एक व्यक्ति चिल्का पुल के जलस्तर बढ़ा हुआ देखकर भी नदी पास करने के जिद में अड़े हुए थे। नदी में पानी का तेज उफान देखते हुए स्थानीय लोगों ने उसे मना भी किया, परंतु वह व्यक्ति किसी का बात ना सुना और पुल पास करने लगा। पानी के तेज बहाव होने के कारण व्यक्ति पानी के साथ बहने लगा, देखते ही देखते दामोदर नदी में बह गए। सूत्रों के हवाले से बता दूं कि वह व्यक्ति रजरप्पा क्षेत्र दुधमटिया के रहने वाला था। स्थानीय ग्रामीण व गोताखोरों की टीम उसे ढूंढने का प्रयास में जुटे हुए, परंतु खबर लिखने तक उसका अता पता नहीं चल पाया। स्थानीय दुकानदार का कहना है कि स्थानीय व बाहर से जो भी श्रद्धालु रजरप्पा मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, उनसे आग्रह है कि चिल्का पुल में जब जलस्तर बढ़ा हुआ रहे तो कभी भूल कर पास नहीं कीजिएगा, साथ ही गहरे पानी में ना जाए, किनारे से ही स्नान करें, तभी इस तरह की घटना से बचा जा सकता है। इस तरह की घटना पहले भी हो चुका है। चिल्का पुल का जलस्तर बढ़ने पर क्षेत्रीय प्रशासन अगर चिल्का पुल रास्ते में बैरियर लगा दिए होते तो शायद इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलता। रजरप्पा से विनोद मुंडा की रिपोर्ट। अभी मैं पहुंचा हूं रजरप्पा सिद्धपीठ मंदिर में, रजरप्पा मंदिर में, और यहां देखिए कितना तेज बहाव के कारण आज एक व्यक्ति ने बहाव के कारण में बह गया, और कितना सब व्यक्ति ने श्रद्धालु ने उसको बचाने का प्रयास किया, बोला कि मना किया कि मत जाइए मत जाइए, उसके बावजूद भी उस शख्स ने नहीं माना, जिस कारण से उसका उस बहाव के कारण आज इस घटना को घटी है, तो उसका जिम्मेवार आखिर कौन है? प्रशासन भी इस जगह पर मौजूद नहीं है। अगर प्रशासन इस जगह पर मौजूद रहता तो ये घटना नहीं घटती, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। प्रशासन चाहते हैं कि यहाँ पर बैरियर लगता, कैमरामैन को चाहेंगे कि यहाँ दिखाइए इस जगह पर बैरियर लगता, तो बैरियर लगना चाहिए था, यहाँ पर व्यक्ति पार होता है, यहाँ पर बैरियर लगा देना चाहिए था, उसमें नहीं पार होता, लेकिन प्रशासन ने ये व्यवस्था नहीं किया। देख सकते हैं एक बहाव के कारण कैसे बह गया होगा। सुबह से ही बारिश हो रही है। जिला प्रशासन आग्रह करते हैं कि फ्यूचर में इस तरह की घटना ना हो, इसलिए आप तत्पर रहें और श्रद्धालुओं को अच्छे सुविधा देने का प्रयास करें। मैं मुंडा, धन्यवाद। उधर मना किया नहीं माना, आया भी सहारा में फिर फिसल गया, उधर पा गया धारा में दामोदर गया, और इधर से फालतू आदमी भी मना कर रहा है, घूमो घूमो घूमे फिर फिसला पा गया दामोदर दामोदर आदमी था जाना करता लगभग एक घंटा का साढ़े अब आते हैं, उसके लिए आप चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहाइए, हम लोग बार बार बोलते हैं साइड में नहाइए, मत देते हैं, डर देते हैं, हम लोग बैठ के नहाए, नहीं पाने पर आप लोग का फायदा, हम लोग ऐसे रहते हैं, हम लोग यहाँ इधर नहीं रहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि हम लग जाता हाथ बंदी जो भी था उसको पकड़ के किसी तरह बाहर निकलता नहीं जाता, मना करने के बाद भी नहीं हुआ है आपने, पहले बार पहला नहीं माना, देखते देखते उसका कहाँ का व्यक्ति था? ये मधुबनी व्यक्ति था, आसपास का भी व्यक्ति बड़ा बता रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आप श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि जो भी यात्री आए, जितना भी पर्यटन घूमने के लिए या नहाने के लिए अगर अन्य कोई आते हैं, वो साइड में नहाएँ, फ्रंट नहाएँ, साइड में देख के नहाएँ, रुक जाए, इसलिए
की बात है कि दुकानदार भाइयों जो भी सहना चाहते हैं उनका भी सहना मानना चाहिए। बहुत ऐसा आदमी है कि शराब पी के आता है और जैसे तैसे नहाने लगते हैं। यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रशासन को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और खुद अपने आप में भी बरतना चाहिए। अब तो रात में बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हो गया था, सब तक दो दिन में प्रधान बहुत अचानक बाढ़ आ गया था। सुबह से मतलब फिर कोई 6 बजे 7 बजे से पर्यटन आने का आने लगे, पूरा अच्छा खासा भीड़ हो गया। मतलब बड़ी पास से भीड़ था।